नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज से। दोस्तों, इससे पहले भी एक जिक्र मैं कर चुका हूँ कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा एक घोटाला किया गया, लगभग 12 करोड़ का घोटाला सोसाइटी द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 700 ऐसे लोग हैं जो रेलवे में जो काम कर रहे हैं, और किसी रेलवे की जो सोसाइटी थी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सोसाइटी, वो सोसाइटी के अंतर्गत ये घोटाला हुआ है, और सिंडिकेट और सोसाइटी बैंक जो सोसाइटी है रेलवे की, दोनों के साथ काट से घोटाला हुआ है। पहले तो केस दर्ज करने में 1.5 साल लग गए, और उसके बाद 1.5 साल के बाद बड़ी मशक्कत करने के बाद जब केस दर्ज हुए तो उस 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज 25 तारीख आखिरी दिन साकरी उपोषण का रहा और मेरी उनसे मुलाकात हुई। पेमेंट डिडक्शन के द्वारा उनसे पूरी रिकवरी कर ली, और रिकवरी करने के बाद उनको अपना इन्होंने NOC दे दी कि आपने लोन भर दिया। NOC किसने दे दिया? सोसाइटी वालों ने। ओके। वो देने के बाद जो कंज्यूमर, जो कस्टमर्स थे, जो शेयर होल्डर थे, उनको लगा कि हमने तो लोन भर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो सोसाइटी 2005 में इन लोग ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अभी 2018 में वो सभासदों को, जिन्होंने किसी ने 30,000, किसी ने 35,000 लोन लिया था, उनको 3 लाख, किसी को 2.5 लाख के नोटिस आए अभी सिंडिकेट बैंक से डायरेक्ट। नोटिस कौन से साल में है? नोटिस अभी आया 2018 में। और लोन कब था? लोन था वो 2005 को सोसाइटी बंद हो गई। रेलवे से भी कॉन्टेक्ट किया, DRM से मिले कि इनके ऊपर विभागीय चौकसी तो भी होना चाहिए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए फिर संविधान ने हमारे को जो अधिकार दिया है, हम उसके अधिकार के अंतर्गत हम यहाँ पे उपोषण पे बैठे। जैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कभी किसी के तरफ से वो मिला कि आपको दबाव, प्रेशर कुछ आया आपको कि ऐसा मत करो? हाँ, पिछले बार हमने जब कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट डाले थे इनके नाम से FIR के लिए। अच्छा। तो उन पिछले बार जैसे डाले थे तो 1-2 दिन के बाद मेरे को फ़ोन पे फ़ोन आए, और मेरे को 4 लोगों ने वहाँ पे हमारे चौक के सामने में घेराव किया था। अच्छा। हाँ, कुछ समय अंधेरा था, मैं उनका चेहरा ना देख पाया। उन्होंने हमको दबाव दिया कि भाई तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हारे कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी आपको, है ना? इस उपोषण से अगर भी, फिर भी अगर रिजल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है ये, अगर फिर भी अगर इस पर रिजल्ट नहीं आया तो फिर आगे का कदम क्या हो सकता है? देखो, ऐसा है कि मैं जिस पक्ष से रिलेटेड हूँ, किस पक्ष से रिलेटेड है? मैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हूँ। मैं संपर्क प्रमुख हूँ रामटेक विधानसभा क्षेत्र का। ओके। अनुसूचित जाति मोर्चे से। हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी साहब, उनका ये बोलना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ठीक उससे उलट जो है वो रेलवे में चल रहा है, खाएंगे भी और खाने भी देंगे। तो मैं अपनी एक नैतिक जवाबदारी ऐसी मैंने समझा कि ये मैटर जो है, ये 11 करोड़ से कई करोड़ ऊपर है ये मैटर, तो मैंने अपना कर्तव्य समझ के मैंने इसको मतलब ध्यान देने का, और इसके ऊपर मैं जो रिलेटेड पर्सन है जिन्होंने ये गुनाह किया है उनके ऊपर में ऑफेंस रजिस्टर्ड करने से लेकर तो अंदर डालने तक मैं सदैव मैं प्रयत्नशील रहूँगा। अरे, रेलवे का भी कोई फर्ज बनता है, रेलवे के कर्मचारियों के साथ अगर गलत हुआ है तो वहाँ के जो संबंधित अधिकारी है, DRM है, उन्होंने एक्शन लेना चाहिए। उनका साफ बोलना है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अरे, करोड़ों का मामला है, कुछ नहीं हुआ, मजाक लगा रखा है इन लोगों ने। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने सोसाइटी के ऊपर एक जांच बिठाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया। रेलवे की जो DRM है मैडम अभी, वो भी इस चीज़ों से बिल्कुल अनजान है ऐसा लगता है, और जानबूझ के शायद वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। तो जिसके लिए जो उपोषण कर रहे हैं समाज सेवक और जो फिरियादी है, उनका ऐसा आह्वान है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो रेल रोको आंदोलन की तरफ उन्हें अग्रसर होना पड़ेगा। अगर साखड़ी उपोषण से भी अगर इसका सोल्यूशन अगर नहीं निकलता है तो निश्चित ही मेरे हिसाब से तो मैं रेल रोको आंदोलन की तरफ मैं अग्रसर रहूंगा। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरोपींना अटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। आरोपींना अटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे।